वेलकम है आपका अपने चैनल श्रेडेड सिंह फिटनेस में। आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। चाहे आप जिम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, चाहे आप कोई वर्किंग क्लास है, चाहे आप स्टूडेंट है, ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंजरीज के बारे में। इंजरीज होती क्यों है और आप उनसे बच कैसे सकते हैं। समझना पड़ेगा जिम में इंजरीज जो होती हैं, स्पेशली मैंने देखा है जो भी बिगिनर्स या इंटरमीडिएट्स हैं जिम में जाते हैं, दो मिनट कार्डियो पे वॉक करते हैं और अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। अगर आप ये सब गलतियां कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। आपको समझना पड़ेगा इंजरीज होती क्या है। जनरली क्या होता है कि जब आप मसल ट्रेनिंग करते हैं तो मसल को ट्रेन करने से पहले मसल को वार्म अप करना बहुत जरूरी है। लेट्स से अगर आपने यहाँ चेस्ट ट्रेन करनी है तो आपको पहले लाइट वेट से चेस्ट मसल को वार्म अप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इससे क्या है कि अगर आप मसल को वार्म अप नहीं करेंगे, अगर आप सीधा ही हैवी लिफ्टिंग शुरू करते हैं तो मसल के जो फाइबर्स हैं उन पे एक ऐसा प्रेशर पड़ता है जिससे आपका ब्लड फ्लो तेज होता है पर आपका मसल वार्म अप नहीं होता, जिसकी वजह से वो ब्लड फ्लो तेज होने की वजह से मसल के फाइबर एंड टिश्यूज ब्रेक डाउन हो जाते हैं लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से इन फर्दर सोरनेस बढ़ जाती है। 90% चांसेस होते हैं कि बिगिनर्स जो है उनको इंजरीज होती ही होती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। आपकी बॉडी एक गाड़ी की तरह है गाइस। जनरली आपने देखा होगा जब भी आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसको आप एक से दो मिनट स्टार्ट करके रखते हैं ताकि उसका इंजन पहले गर्म हो जाए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी की एवरेज बढ़ जाती है, आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है। सो आपकी बॉडी भी इज जस्ट लाइक ए कार। सो बेसिकली क्या है गाइस, अगर आप जिस तरह से गाड़ी को गर्म करते हैं अगर आप अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे तो देयर आर चांसेस कि आप इंजर्ड नहीं होंगे और आप लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी रहेंगे, इंजरीज से दूर रहेंगे। तो समझिए गाइस, अगर आप अपनी गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं तो अपनी हेल्थ का तो डेफिनेटली आप रखेंगे ही रखेंगे। सो वार्म अप करना क्यों जरूरी है, किस तरह से करना जरूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा। फुल बॉडी स्ट्रेचिंग जो है वो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके लिए ये वीडियो है कि आपको वर्कआउट शुरू करने से पहले फुल बॉडी स्ट्रेचिंग जो करनी है वो किस तरह से करनी है। तो फुल बॉडी स्ट्रेचिंग में क्या है कि आप अपने हर मसल पार्ट को इंक्लूडिंग योर लोअर बॉडी, अपर बॉडी, सबको आप इन्वॉल्व करते हैं जिससे आपकी पूरी बॉडी को वार्म अप किया जाता है। सो आपको इन बिटवीन इस वीडियोज में आपको कुछ क्लिप्स दिखेंगे लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद आप फुल स्ट्रेचिंग की वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस एक बात समझिए, ये जो स्ट्रेचिंग की वीडियो है ये सिर्फ जिम जाने वालों के लिए नहीं है। अगर आप घर पे भी चाहें तो आप घर पे भी एक फ्लोर पे इस स्ट्रेचिंग को कर सकते हैं। सो लेट्स से आप जिम नहीं जाते लेकिन हेल्थ आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, तो आप ऑफिस जा रहे हैं तो सुबह जल्दी उठिए, मेडिटेशन कीजिए और इस स्ट्रेचिंग को कीजिए। कम से कम दिन में 15 मिनट स्ट्रेचिंग कीजिए अगर आप जिम नहीं जाते, और अगर आप जिम जाते हैं तो 5 से 7 मिनट ये फुल बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से पहले कीजिए और 5 से 7 मिनट वर्कआउट खत्म करने के बाद एज ए कूल डाउन कीजिए। तो गाइस जो भी आपका गोल है, चाहे फैट लूज करना, चाहे मसल गेन करना, चाहे स्ट्रेंथ बिल्डअप करना, लेकिन अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप अपने गोल को 100% हेल्दी वे में अचीव नहीं कर सकते। तो मेक श्योर आप फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बढ़ाएं, स्ट्रेचिंग को ऐड करें। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल येलो कलर का स्ट्रैप्स यूज किया है जो कि एक आपकी रोप टाइप होता है या फिर आप उसे बैंड बोल सकते हैं, स्ट्रेचिंग बैंड। ये हार्डली मार्केट में किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से आपको 150 रुपीज का इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आप घर पे लेकर रखिए, इसको यूज कीजिए और अपनी स्ट्रेचिंग कीजिए एवरीडे। स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेट्स से अगर आप 8 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ के अपने वर्किंग क्लास में आप वर्क कर रहे हैं तो गाइस देयर आर चांसेस कि आप अपने सर्वाइकल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो उससे क्या है कि आपके मसल्स थोड़े से इन्वॉल्व होंगे स्ट्रेचिंग में और आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो जो भी डाइट आप ले रहे हैं डेफिनेटली आपको रिकवर करेगी एंड स्ट्रेचिंग आपको हेल्प करेगी इंजरीज से बचने के लिए। सो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली आप ये स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इससे आपकी कोई हाइट नहीं रुकेगी, कोई आपके हार्मोन्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखिए।
सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूल जाइएगा एंड प्रेस द बेल बटन ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा इस पर एडिटिंग अपलोड द न्यू वीडियो इससे आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे एंड मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड ऑन माय YouTube चैनल क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं जिसमें मैं बताने जा रहा हूं दैट आई एम गोइंग टू ओपन 22 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज एट होम तो उसमें जो भी एक्सरसाइज होंगी वो मैं आपको बताऊंगा सो यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब द चैनल प्रेस द बेल बटन टर्न ऑन नोटिफिकेशन ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए टिल देन स्टे हेल्दी स्टे लीन